अरे एलविच भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मस्त मस्त हुड़के बंगलो गाइस नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वड़कम एंड सुस्वागतम गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अधियोगी, जो वन ऑफ द मेरा फेवरेट प्लेस था, मतलब मुझे जाने की बहुत ही इच्छा थी यहाँ पे जाने की। तो आज फाइनली हम वहाँ पे चल रहे हैं। सो वेल ये अपने ही बेंगलुरु के अंदर चिकबड़ापुर के अंदर लोकेटेड है, जो अभी अभी खुला है, ऑलमोस्ट 10 to 10 months to 1 साल तो हो गए रेगा खुल के। तो चलो बिना किसी बकवास के चलते हैं सीधा वहाँ पे। तो भाई लोग हम पहुँच चुके हैं और ये है एंट्रेंस अधियोगी का। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये। और रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं है रास्ता। आपने देखा रहेगा केदारनाथ को जाने का जैसे कि वॉकिंग है 23 किलोमीटर्स का, वैसे ही रोड भी उतना ही कुछ खास नहीं, मतलब लोग ऑलमोस्ट पूरा थक गए थे, लेकिन ये मतलब ये सीन देख के ना मेरी जान में जान आई बस। फिर हम वहाँ से मतलब जय श्री महाकाल बोल के आगे बढ़ गए और पहुँच गए ऊपर। ऑलराइट गाइस वी हैव फाइनली रीच। कैसे भी गिरते पड़ते रड़ते मतलब आ गए यहाँ का रास्ता भी इतना ही ख़राब है। वेल दो तीन दिन से प्लान कर ही रहे थे कि मतलब कैंसिल हो जा रहा था किसी रीज़न से, और हमारा फ्रेंड का भी सपना था, सपना ही था उसे ही जाने का बहुत मन था यहाँ पे, लेकिन आज फाइनली वो पूरा हो चुका है। वी आर हियर अधियोगी, हर हर महादेव। एक्चुअली ये तमिलनाडु का अधियोगी नहीं है, बेंगलुरु का अधियोगी है। बेंगलुरु गए ना अभी? हाँ ये बेंगलुरु का अधियोगी है। कुछ ही साल मतलब कुछ ही साल क्या यार, 10 महीने ही हुए सिर्फ इस स्कूल के, जनवरी में इसका ओपनिंग हुआ था। तो आज अधियोगी एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आए हैं राकेश रोहित और बीस्ट अभी के साथ में। नमस्कार। इसके आगे इससे कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं कैमरा ऑन होने के बाद इसको क्या हो जाता है, इसका बोलती बंद हो जाता है। वेल नो नॉनसेंस, बस अभी सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। तो हमारा दर्शन वगैरह तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन वही पब्लिक देखो, शाम होने को आ रही है और पब्लिक अभी भी इतनी सारी है। गाइस दर्शन वगैरह सब कुछ हो गया, वहाँ पर बैठा हम लोग, थोड़ी देर बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट किया, फिर बहुत सारा फोटोशूट किया। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है यार, वीकेंड है ना, और बहुत ही ज़्यादा, और जैसे जैसे मतलब डार मतलब सूरज ढलते जा रहा है ना, पब्लिक और आती जा रही है। मतलब आप तो कुछ लेजर लाइट का शो होता है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, होता रहेगा शायद। क्या रहता है महादेव तांडा? हाँ लाइटिंग्स के द्वारा उसके ऊपर कुछ शो वगैरह करते रहते थे। तो अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे हम तब आके, और एक बार मतलब पूरा दिन इधर ही बिता लेंगे यार। आज कुछ उतना खास हुआ नहीं, पूरा टायर्ड हो चुके हैं क्योंकि रास्ता उतना खास नहीं था। तो अभी वो बात कर रहा है कैमरे के सामने आने के बाद बोलती बंद हो। अब और हमारे साथ में है मिस्टर बीस्ट अभी, बोला था ना मैंने खाना खाया कि नहीं वो भी याद नहीं।
तो दैट्स इट गाइस, अभी सीधा चलते हैं घर की तरफ। अरे एल्विच भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विच भाई कॉलेज घंटा पार्टी घंटा ఏనా క్లాస్ దగ్గర ఉంటుంది క్లాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది మస్తు మస్తు హుడిగి బంగ్లు మాటిలా పెడతాను గాడీ చావి నేను తగదు కొట్టిన గాడీ చావి నా चालो नहीं आज वीडियो। सो थोड़ा बहुत स्नैक्स हो जाए। डबल मारता ले। और ये है शाम का टाइम, गाड़ियाँ देख सकते हैं आप कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो भाई ऑलमोस्ट 7 बजने का आ रहे हैं, मतलब 6:30 कुछ हो रहा है, अभी भी पब्लिक आ रही है। तो अभी हम निकल रहे घर की तरफ। भाई साहब क्या व्यू है यार, एक टाइप मतलब देखने को कितना सुकून मिल रहा है। देखो स्काई कितना खूबसूरत दिख रहा है। और भाई मैंने कहा था ना पब्लिक अभी आने में ही है। देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है, कार्स के 3-3 लाइन है और यहाँ पे उल्टा ट्रैफिक जाम। तो चलो चलते हैं सीधा घर की तरफ। आप लोगों को इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताओ और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नोड़ना हाँ नहीं मस्त कैंडिडेट लाइक शेयर सब्सक्राइब।